नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज पहली बार एलजेपी में टूट के बाद पटना पहुंच रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर चिराग के समर्थक पहले से ही डटे हुए हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान आज ही आशीर्वाद यात्रा का हाजीपुर से आगाज करेंगे। आशीर्वाद यात्रा के जरिए चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वे चाचा पारस को बताएंगे कि पार्टी के असली हकदार वही हैं। दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने ट्विटर पर पिता के साथ पुरानी तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थिति में लड़ते देख आप भी दुखी होंगे। आपका ही बेटा हूँ, हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूँ आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इसके बाद उन्होंने पिता की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि संघर्ष के लिए आशीर्वाद मांगा हूँ। चिराग पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले हाईकोर्ट के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल धुनकी मोड़ से गांधी सेतु के रास्ते वैशाली जिले के जठुआ पहुंचेंगे। वहां बरिया टोला के जगदम्बा स्थान में बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करने के बाद सुल्तानपुर गाँव पहुँचेंगे। वहाँ दीना पासवान के घर के बाहर अपने पिता की पहली जयंती मनाएंगे। फिर शाम को 5 बजे उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। तो आशीर्वाद यात्रा के जरिए चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस को अपना दम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि जमुई में चिराग के समर्थक अभी से ही डट गए हैं और आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाल भी दिया है। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दो हम एक हैं, बागी सांसद हमारे बिहार के सबसे चहेते सांसद चिराग पासवान, चिराग भैया, इस मुश्किल घड़ी में और इस आशीर्वाद यात्रा में हम सब युवा और जम्मू की सारी जनता उनके साथ है और हम उनकी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं और ये यात्रा सफल बनेगी और बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे भैया चिराग भैया, हमारे सांसद लोकप्रिय, उभर के बिहार का नेतृत्व आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से करेंगे। तो चिराग पासवान जी की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में रहेगा और उसी काम के लिए हम सब निकल रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा काम करें बिहार के लिए और पार्टी उभर के आए। बाकी जो चुनावी समीकरण है उसके बाद तो पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हमारी तो पूरी इच्छा यही है कि चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री हों और बिहार की जनता भी यही चाहती है और जम्मू की जनता भी यही चाहती है कि चिराग पासवान ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री बने। परिचय बताइए। कुंवर माधव सिंह, लोजपा, आईटी सेल, जमुई। लोकप्रिय युवा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा, माननीय सांसद चिराग पासवान जी के नेतृत्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लोजपा दलित सेना के संस्थापक, उनके जयंती के अवसर पर चिराग पासवान जी ने आशीर्वाद यात्रा आज हाजीपुर से शुभारंभ करेंगे। पूरे बिहार के आवाम, गरीब, गुरुआ, देश के सभी तमाम वर्ग के लोग चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। आज संपूर्ण बिहार, संपूर्ण देश में, जिले भर में आज रामविलास पासवान जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं आज जम्मू में भी सैकड़ों की तादाद में द्वारका विवाह भवन में मनाया गया। अभी हम लोग यहां से पटना प्रस्थान करेंगे। 12:30 बजे एयरपोर्ट हवाई अड्डा पर उतर रहे हैं। वहां से हजारों की गाड़ी के काफिला में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जगह जगह तोरण द्वार महागणमान्य लोगों का माल्यार्पण करते हुए हाजीपुर के सुल्तानपुर दलित बस्ती में जाएंगे और वहां व्यापक पैमाने पर रामविलास पासवान जी का जयंती मनाया जा रहा है और पूरे बिहार के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। आज वो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। लोजपा में कोई दो गुट नहीं है, लोजपा में सिर्फ एक गुट है, चिराग पासवान। लोजपा चिराग पासवान का है और चिराग पासवान लोजपा है, बाकी कोई गुट नहीं है।